प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई हैं। क्यों जुड़ा हूं मैं गुरुजी इस अस्त्रों की दुनिया से? क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2022 की तीन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में RRR, KGF चैप्टर 2 और ब्रह्मास्त्रा के शुरुआती तीन दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इन तीनों ही फिल्मों में से किस फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में दुनिया भर से सबसे ज्यादा कमाई की थी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में आपको कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट लगी। सबसे पहले अगर बात करें फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने, और इस फिल्म में रॉकिंग स्टार यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और रवीना टंडन देखने को मिले थे। ये फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी और फिल्म को दुनिया भर में 10,000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया था। बताना चाहेंगे दोस्तों, KGF चैप्टर 2 ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 165,37,00,000 रुपए का किया था, वही दूसरे दिन कमाए थे 139,25,00,000 रुपए, तीसरे दिन फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 115,08,00,000 रुपए का रहा था। यानी कि दोस्तों, KGF चैप्टर 2 ने शुरुआती तीन दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया था 419,70,00,000 रुपए। बता दे दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मेगा ब्लॉकबस्टर साबित रही थी। वही दोस्तों, बात करें फिल्म RRR के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया था SS राजामौली सर ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे रामचरण, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट। इस फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ रुपए था और इस फिल्म को दुनिया भर में 5 भाषाओं के अंदर 10,000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर ही रिलीज किया था। अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो RRR ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 257 करोड़ का किया था, वही दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 114 करोड़ रुपए था, तीसरे दिन RRR ने दुनिया भर से 130 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यानी कि दोस्तों, RRR फिल्म शुरुआती तीन दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 500 करोड़ का कर चुकी थी। बता दे दोस्तों, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित रही थी। वही अब अगर बात करें आयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्रा के बारे में, जिसे भी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, टोटल 5 भाषाओं में दुनिया भर के अंदर 9,000 स्क्रीन पर रिलीज किया है और फिल्म का बजट है 400 करोड़ रुपए। अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्रा फिल्म ने तो सभी के प्रेडिक्शन गलत साबित किए और फिल्म ने पहले दिन और दूसरे दिन उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई की। जी हां दोस्तों, फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन पहले दिन 75 करोड़ का रहा था, वही दूसरे दिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट से 85 करोड़ की कमाई की। तीसरे दिन दोस्तों संडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में और भी बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और अर्ली एस्टिमेट आंकड़ों के हिसाब से यहां पर ब्रह्मास्त्रा तीसरे दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 110 करोड़ का कर रही है। यानी कि दोस्तों, शुरुआती तीन दिनों में ब्रह्मास्त्रा का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो हो रहा है 265 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आप अगर देखें कि तीनों ही फिल्मों में किस फिल्म का कलेक्शन तीन दिन में ज्यादा था, तो नंबर वन पर है RRR जिसने 500 करोड़ कमाए थे, नंबर दो पर है KGF 2 जिसने कमाए थे 419 करोड़ रुपए, वही नंबर थ्री पर है ब्रह्मास्त्र जो कमा रही है 265 करोड़ रुपए। हालांकि दोस्तों, अगर आपने ये तीनों ही फिल्में देखी, तो इन तीनों फिल्मों में आपकी पसंद की फिल्म कौन सी है, उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।